धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, रणवीर सिंह सप्पल जी हमारे बीच में वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मीडिया हमारी काली शर्मा जी, मोनिका मेहरोत्रा जी, नमस्ता जी हमारे जनशक्ति हैं मीडिया के पीछे, कपिल सिंह जी, साहिल जी दोनों होता है, प्रदर्शन सिंह जी हमारी पार्टी के लिए साथी है। मैं सफल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना एजेंडा आपको बताएं। थैंक यू रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं वो बहुत खास चुनाव हैं, क्योंकि बहुत कम होता है कि देश में समय पर कोई सरकार चुनाव ना करा पाए। हम जानते हैं कि पिछले बार के चुनाव मिस हुए और राज्यपाल शासन लगा रहा। बहुत कम होता है कि किसी प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत ना जुटा पाए, जैसा कि लोकसभा में बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर में जाके चुनाव लड़ सके, पास दे दिया। पिछले कई साल से कोशिश होती रही कश्मीर में बड़ी बड़ी बातें करने की, लेकिन इस पूरे दौरान में कश्मीर और जम्मू के जो लोगों की स्थिति है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी ने अपनी राजनीति देश में चमकाने के लिए निशाना तो कश्मीर के लोगों को बनाया था और मुसीबत जम्मू के लोगों को भुगतनी पड़ी। और पिछले कुछ सालों में जितने जम्मू के लोग हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, जब उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि इस राज में पिछले 5-7 सालों में खास तौर पे किस तरह से जम्मू अपने आप को बिल्कुल अनाथ एक किस्म से मान रहा है, और जम्मू कश्मीर को ओवरऑल देखिए तो केवल बातें हुई और बातों के अलावा कुछ नहीं हुई। और बातें भी कैसी कि अब जैसे कल गृह मंत्री अमित शाह आए और बोल गए कि अगर कांग्रेस एनसी का शासन आएगा तो आतंकवाद का खतरा पैदा होगा, सुनकर लगे से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि जो इतिहास है 1990 से लेके 2024 का 25 साल का, ये वो 25 साल हैं जिसमें से 15 साल के करीब बीजेपी ने भी राज किया, सॉरी 35 साल में से 15 साल भी बीजेपी ने भी राज किया। इस दौरान जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में केंद्र में या तो सहयोगी दल रही या रूलिंग पार्टी रही तो हमेशा आतंकवाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और पीछे भी अगर आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देखें तो पिछले 3 साल में एक और शिफ्ट देखने को मिला है कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे जम्मू एरिया की तरफ शिफ्ट हुई है। पहले कश्मीर में ये समस्या ज्यादा थी, लेकिन पैटर्न जो दिखा है वो जम्मू के अंदर शिफ्ट हुआ है। पिछले 3 साल में जम्मू एरिया में, जम्मू कश्मीर में 119 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहादत मिली है, उनको अपनी जान देनी पड़ी, जिसमें से 40% जो जाने गई हैं वो जम्मू एरिया में गई हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले 21 के बाद पुंछ में, राजौरी में, कठुआ में, रईसी में, डोडा में, उधमपुर में करीब 51 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जान गई है। तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई बात नहीं करेगा, गृह मंत्री क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? लगातार लगातार जब से ये लोग आए, चाहे पठानकोट में आईएसआई को बुलाना हो, चाहे इस पूरे इलाके में जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी जिम्मेवारी ना लेकर केवल ये भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी और एनसी अगर आएंगी तो आतंकवाद बढ़ेगा, जबकि सच क्या है, तीसरा टर्म मिला मोदी जी को, तीसरा टर्म, और उसके बाद 4 घटनाएं इस एरिया में हो गई हैं। 9 जुलाई को हुई रईसी में बस पे अटैक हुआ था, 33 लोग घायल हुए थे, हम सब जानते हैं। उसके 48 घंटे बाद कठुआ और डोडा में अटैक हुआ था। 8 जुलाई को फिर एक अटैक हुआ कठुआ में,
और 15 जुलाई को डोडा में अटैक हुआ जिसमें 4 सैनिक शहीद हुए। तो ये जो स्थिति है इसको भूलते हुए बीजेपी ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि उनके राज में टेररिज्म कम हुआ और कांग्रेस के राज में ज्यादा हुआ, जबकि सच क्या है, टेररिज्म का जो असली दौर इस जम्मू कश्मीर राज्य में जब तेज हुआ, घटनाएं तो शुरू से चलती आई, जो तेज हुआ वो 1989 की घटना के बाद हुआ, रुबिया सईद की घटना के बाद हुआ, और उसमें केंद्र में कौन राज कर रहा था, बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला मना करते रहे मत छोड़ो आतंकवादियों को, बीजेपी के दबाव में वीपी सिंह की सरकार ने उस समय आतंकवादियों को छोड़ा, और उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम घटा इस कश्मीर और जम्मू के अंदर, उसमें 90 के फरवरी से पलायन शुरू हुआ। और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई 1990 में पलायन शुरू हुआ, तो मार्च के अंदर लोकसभा के अंदर राजीव गांधी जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, राजीव गांधी चुनाव हार चुके थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक डिबेट की डिमांड की और कश्मीर के हालात पे डिबेट हुई, और राजीव जी ने ये बोला कि कश्मीर के हालात बिगड़ रहे हैं और यहाँ पे सेना या बीएसएफ लगाएं, और किस पार्टी ने इसके विरोध किया था, आज अमित शाह जी पुरानी फाइलें नहीं खोलते हैं, किस पार्टी ने विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, उनके नेता जसवंत सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि ये लो ग्रेड टेररिज्म है, मैं एग्जैक्ट शब्द यूज कर रहा हूं, लो इंटेंसिटी लो ग्रेड टेररिज्म है, इसलिए कश्मीर में ना तो सेना लगानी चाहिए ना बीएसएफ लगानी चाहिए, ये बीजेपी का स्टैंड था। और उसके बाद अप्रैल 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं करते, आडवाणी जी अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी फरवरी में पलायन होना शुरू होता है, इनके इनके अपने गवर्नर जगमोहन जो बाद में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनते हैं, वो गवर्नर होते हैं, उनके वक्त में पलायन शुरू होता है, और भारतीय जनता पार्टी उसके 2 महीने बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर डिस्कशन भी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में इसका जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि कश्मीर उनके लिए उस वक्त भी कभी इंपॉर्टेंट नहीं था, और वो लगातार केवल इस उसमें रहते थे कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाए और देश में उनकी राजनीति चमके। यही नहीं, 1999 में IC 814 की बात हम सब जानते हैं, कौन था सरकार के अंदर, बीजेपी की सरकार थी, दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा गया था, और उन लोगों के छोड़ने के बाद जो कश्मीर में घटनाएं घटी 2001 में 2002 में, हर साल 4000 कैजुअल्टीज होनी शुरू हुई, 2001 में 4000 हुई, 2002 में 3500 हुई, 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनी, यूपीए की सरकार, तो उस वक्त 2000 कैजुअल्टी कश्मीर में होती थी, और यूपीए ने अपनी नीति के बदौलत, और नीति टेररिज्म में स्ट्रिक्ट रहने की नीति थी कि हम टफ रहेंगे, यहाँ पे विकास करने की नीति थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे मलहम लगाने की नीति थी, तो 2004 में जो 2000 कैजुअल्टीज होती थी 2011 तक आते आते 70 रह गई, 2011 में 12 में 13 में 14 में कश्मीर में जो कैजुअल्टीज होती थी वो 65-70 तक आ गई थी, जो देश में भी आप लगा लीजिए तो कई जगह पे इससे ज़्यादा कैजुअल्टीज हो रही थी, और 2014 तक 2010-11 से लेकर 14 तक यही कश्मीर घाटी थी, यही जम्मू कश्मीर था, यही जम्मू के इलाके थे, वैष्णो देवी थे, कश्मीर में डल झील थी, आप देखेंगे तो लोगों की फेसबुक पे आप जाके देखिए टूरिज्म फल फूलने लगा था, कश्मीर में शादियां के फंक्शन होने लग गए थे, 2010-11 के बाद नॉर्मेलसी आई थी, उस नॉर्मेलसी को जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में खत्म किया और लगातार कैजुअल्टीज वापस 400-300 तक पहुंचने लगी, कई बड़ी घटनाएं आतंकवाद की हुई, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में इनकी पूरी डबल इंजन की सरकार यहां रही, सरकार भी क्या रही, मतलब पटरी भी इनकी थी, गार्ड भी इन्हीं का था, ड्राइवर भी इन्हीं का था, सब कुछ इनका था, लेकिन गाड़ी चली नहीं,
नहीं चली गाड़ी 2019 से लेकर अब तक, पूरे देश को बताया कि अब देखिए अब कश्मीर पूरा औद्योगिकरण हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। देश में तो औद्योगिकरण हुआ 3%, कश्मीर में हुआ 1%। उस कश्मीर में जो डेवलपमेंट के हर हर पैमाने पर देश में पांचवें छठे नंबर का स्टेट होता था, कहीं कहीं दूसरे तीसरे नंबर का स्टेट था, उस स्टेट को वहां तक ले आए कि पिछले 5 साल के अंदर लगभग 65% सरकारी नौकरियां, 65% सरकारी नौकरियां खाली है। वहां ले आए, पूरे देश को बोला कि अब कश्मीर में जमीन खरीदने का हक हो गया, आइए खरीदिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक कॉरपोरेट का बड़ा एग्जाम्पल आपके पास नहीं आएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में 5 साल के अंदर हुआ तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, केवल और केवल युवा यूथ बेरोजगार बैठा है। एजुकेशन पूरी प्राइवेट करने की कोशिश की है, बिजली को पूरा प्राइवेट करने की कोशिश की है, मीटर्स का जो हाल है वो आप सब जानते हैं, लोग रो रहे हैं। जो लोग सालों से अपनी जमीनों में बसे थे उनको उजाड़ने का काम इन्होंने किया, और पूरा इस तरह से एक माहौल तैयार कर दिया कि एक जो खुशहाल स्टेट बनने लगा था जम्मू कश्मीर 2010 के बाद, जहां शांति थी, वहां पे पिछले कई साल से लगातार लगातार अटैक्स शुरू हुए। और इसकी जिम्मेदारी आज ना नरेंद्र मोदी लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, आज ना अमित शाह लेते हैं गृह मंत्री के तौर पे, ना ही आज यहाँ के राज्यपाल लेते हैं। तो आज जो हमारा ये कहना है कि कश्मीर के साथ खिलवाड़ हो चुका, आपने कश्मीर जम्मू को, जम्मू कश्मीर को फुटबॉल बनाया, और आज आपके आके आपके बड़े बड़े ऐड आते हैं, बड़े बड़े ऐड आते हैं कि अगर धारा 370 आ गई तो क्या क्या खतरा है, डरा रहे हैं। इतने साल के बाद आज ये बताना चाहिए कि 5 साल में जब से आपने हटाया तो आपने अच्छा क्या किया। वो डरा रहे हैं कि ये खतरा है, वो वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो चाहते हैं कि जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता उस बीच के हिस्से को भूल जाए। कहते हैं हम राज्य का दर्जा देंगे, भाई आपको रोका किसने था देने से, अब तक आप ही ने छीना ना, कोई नई चीज तो दे नहीं रहे थे। आपने राज्य को तोड़ दिया, लद्दाख कारगिल को अलग कर दिया, इसको यूटी बना दिया, और आज आप किसको कह रहे हैं, और कहने की बात क्या है, सिर्फ कहते हैं। आप सबने सुना होगा प्रधानमंत्री जी के भाषण, नोटबंदी हो जाएगी तो कालाधन खत्म हो जाएगा, सिर्फ कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो 2 करोड़ नौकरी आएंगी, कहा, हुआ नहीं। मैं पीएम बन जाऊंगा तो काला धन भारत में ले आऊंगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कहा, हुआ नहीं। पीएम बन जाऊंगा तो अब ये कह रहे हैं कि सीएम बना दो तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दूंगा। आपको किसी ने रोका नहीं था, आपने एक स्टेट को तोड़ दिया, और इस तरह से तोड़ा कि 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 साल हो गए, अब तो 5.25 साल हो गए इस बात को। तो सवाल यह है कि ये जो राष्ट्रीय राजनीति में विभाजन पैदा करने के लिए कश्मीर और जम्मू की जनता को जो फुटबॉल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आज जम्मू की जनता भी पूरी समझ रही है। आज आप जम्मू के किसी इलाके में जाइए, मुझसे लोग कह रहे थे आज कि आज बीजेपी वालों का बहुत प्रचार घर घर में चल रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं। तो जब मैं लोगों से बोला तो बोला ये जितना हमारे घर में आएंगे उतना इनके कुकर्म याद आएंगे, उतना इनका करप्शन हमें याद आ रहा है, उतना इन्होंने जो काम नहीं किया वो याद आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता से आप बहुत खेल लिए, और जम्मू कश्मीर की जनता से हमारी अपील है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से जम्मू में ये मैसेज दिया है उन्होंने चलकर, वो गए, उनको हमने भी रोका था कि आप कश्मीर की सड़क पे ऐसे मत चलिए, खतरा है, उनको रोका कि खतरा
सड़क पे भी हो सकता है, खतरा सीमा पार से भी मोटर अटैक का हो सकता है, लेकिन वो नहीं माने। मैं गवाह हूं उस समय जब आपके सिक्योरिटी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो राहुल जी को समझा रहे थे, उन्हें बोला नहीं मुझे सड़क पर चलना है, जम्मू की जनता के लिए, कश्मीर की जनता के लिए चलना है। तो पुलिस ऑफिसर ने उनको आके फिर समझाया कि आप चलिए, लेकिन किसी को गले मत लगाइए जैसे आप पूरे देश में लगाते आ रहे हैं कि पता नहीं कपड़ों में क्या छुपाओ। तो मुझे बोले वहां पे, बोले ठीक है मान ली बात, और वो चलना शुरू हुए और 5-6 मिनट बाद ही एक आदमी खड़ा था जाके गले, उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद जो सड़क पे दिख रहा था जो उनके पास आना चाहता था गले लगा रहे थे, रिस्क ले रहे थे, अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? इसलिए चल रहे थे कि जो ये जम्मू कश्मीर के साथ इतना जुल्म हुआ है, पुराने सालों में हुआ है, पिछले 5 सालों में हुआ है, उसमें वो ये संदेश दे रहे थे कि जम्मू की और कश्मीर की जनता बाकी देश से अलग नहीं है। राहुल गांधी ये संदेश लेके चल रहे थे कि चाहे कोई भी खतरा हो, कोई भी जोखिम उठाना पड़े, लेकिन जम्मू में और कश्मीर के लोगों को मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि आप हमारे हैं, आप भारत के हैं, आप हिंदुस्तान के हैं। भारत जोड़ो यात्रा को वहां पे इसलिए खत्म किया था कि ये भारत बिना जम्मू कश्मीर के जुड़ ही नहीं सकता। वो भारत का मुकुट है, लेकिन मुकुट के अलावा वो भारत का दिल भी है। वो मैसेज देने के लिए राहुल गांधी चले थे, और मुझे लगता है कि ये मैसेज जम्मू कश्मीर की जनता भी जानती है, ये मैसेज यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके दिलों में उतरा है, और इसलिए आज आपके मार्फत हम ये उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर शांत से सिर उठा के चलना है, शांत से, कि ये देश का एक विकसित राज्य पहले भी था, यहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेज पहले भी थे, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज पहले भी थे, यहाँ पे विकास पहले भी था, डेवलपमेंट इंडेक्स में ये राज्य इंडिया के टॉप राज्यों में से था, पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया के टॉप राज्यों में से था। ये संदेश जम्मू कश्मीर से जाना चाहिए, देश के अंदर जाना चाहिए, और इस संदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही। सवाल आप कुछ भी पूछ सकते हैं।